तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस लड़की के फेस पे हुए हैं कीड़े, और देखिए हम इसको रिमूव करेंगे। तो देखिए हमारा चिमटी जो है बहुत सेफ तरीके से कीड़े को रिमूव करेगा। तो देखिए ये दूसरा वाला कीड़ा पकड़ा गया और ये भी देखिए रिमूव हो चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। अभी ये लास्ट वाला था और ये भी पकड़ा गया, ये भी आराम से गिर चुका है। और देखिए हमारा आ गया छोटा वाला चाकू, और देखिए बहुत सी होल वाले कीड़े को काटा। और देखिए ये आंख वाले कीड़े थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। आगे हमारा चाकू, ये भी काफ़ी औसम तरीके से कटा, बहुत ही घिनौना टाइप का वायरस था। आगे हमारा चिमटी, और ये देख केचुए वाले कीड़े को रिमूव किया बहुत ही सेफ तरीके से। और दूसरा वाला भी पकड़ा गया और ये भी रिमूव हो चुका है। और ये लास्ट वाला, और ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है। हमारे चिमटी का काम खत्म हो चुका है। हमारा आगे बड़ा वाला चाकू, और देखिए होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से आराम से काट चुका है। आगे हमारा चाकू बड़ा वाला, और ये केचू वाले कीड़े को आराम से गिरा चुका है पूरा एक ही बार में। तो ये चाकू बहुत ही औसम तरीके से काटता है, पूरा एक ही बार में काट के पूरे कीड़े को गिराया। और ये रेड वाले कीड़े थे, ये भी गिर चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हैंड वाला चाकू हमारा। और ये भी काफी औसम तरीके से काटा बहुत सारे कीड़ों को एक ही बार में। आ गया हमारा लॉन्ग चाकू। और देखिए ये रेड वाले कीड़े थे, एक ही बार में बहुत सारे घवद वाले कीड़े को काट के एक ही बार में गिरा चुका है। आगे हमारा वैक्यूम, और ये कीड़े को पकड़ेगा, और देखिए पकड़ में आया, और देखिए सेफ तरीके से कुछ छोड़ गया बहुत ही आराम से स्लो मोशन में वो गिर चुका है। और देखिए हमारा वैक्यूम का काम खत्म हो चुका है। तो देखिए हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को निकाल दिया एक ही बार में। और ये कांटेदार वाले कीड़े थे, ये भी हेड पे लगे थे। तो देखिए इसका हेड है बहुत ही सेफ तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी इसके फेस पे हम लोग दवा डालेंगे, स्प्रे डाल के। तो देखिए स्प्रे का दवाई हम लोग डाल चुके हैं, अभी दूसरी जगह भी डाल देते हैं। तो देखिए दूसरी जगह भी पड़ चुकी है, और ये हमारा चला गया। अब हमारा आ गया कॉटन वूल रुई, तो इससे हम साफ कर देते हैं और देखते हैं इसका चेहरे को हमको पूरा का पूरा सेफ करना है बहुत ही औसम तरीके से। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही औसम तरीके से इसका फेस हो